उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव की चपेट में कुछ मीडिया कर्मी भी आ गए। महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस हिंसा का जो दौर है वो अभी भी जारी है। तो यूपी के बहराइच में जो बवाल है उसकी टाइमलाइन क्या कहती है, चलिए आपको पूरी कहानी संक्षिप्त में समझाते हैं। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला गया। यात्रा महाराजगंज होते हुए घाट की ओर जा रही थी। घाट से करीब 3 किलोमीटर पहले एक समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थान के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इसी पर बहस हो गई। इमारत पर झंडा हटाने की कथित कोशिश के दौरान इलाके में तनाव फैला। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। पथराव में मूर्ति टूट गई, बवाल फिर शुरू हुआ। इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की मौत हो गई। रामगोपाल मिश्रा को लेकर भीड़ मेडिकल कॉलेज गई, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद तो भीड़ भड़क ही गई, जमकर तोड़फोड़ हुआ। यहां तक कि गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जिस पर रोक लगा दी गई। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन ना करने की धमकी दी। पुलिस ने इस आरोप में सलमान को नामजद किया, बाकी और लोगों पर भी मुकदमा किया गया है। इस बीच बहराइच के अलग अलग इलाकों में गांव से निकलकर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने उसके बाद नामजद आरोपी को उठा लिया। पुलिस ने करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ कुछ शांत हुई और विसर्जन शुरू किया गया। वहीं सोमवार की सुबह यहां फिर से भीड़ जमा हुई, उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ। भीड़ ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, चुन चुन कर गाड़ियों को, दुकानों को, शोरूम्स को निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शोरूम में आगजनी हुई, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़ दिया गया। पुलिस ने किसी तरीके से भीड़ को काबू किया, भीड़ को शहर से दूर किया गया। शहर के बाद भीड़ ने गांव में उपद्रव शुरू किया, जो अभी भी जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ताजा हालात पर रिपोर्ट मांगी है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थोड़ी ही देर के बाद सीएम योगी के निर्देश पर एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश सड़क पर आए, जिन्हें देखते ही दंगाइयों ने अपने पांव उल्टे कर लिए। इसी बीच 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी से उनकी पहचान चल रही है। अभी भी फिलहाल बहराइच में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन वहां पर इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।